हाय, अगर आप टीवी और फिल्मों में काम करना चाहते हैं तो क्या सिर्फ एक्टिंग के भरोसे आप काम कर सकते हैं? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि डांस, मार्शल आर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, अगर आपको ये सारी चीजें नहीं आती तो क्या फिर भी आपको टीवी और फिल्मों में काम मिलता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस तरह की क्वेश्चन अधिकतर लोग पूछते रहते हैं कि सर हमें क्या इसके साथ साथ मार्शल आर्ट्स भी सीखना पड़ेगा, सर हमारी बॉडी नहीं है, सर हमें ड्राइविंग नहीं आती, सर हमें हॉर्स राइडिंग नहीं आती, तो क्या हमें काम मिलेगा? क्या आपके जहन में भी इस तरह के सवाल हैं? अगर आपके जहन में भी इस तरह के सवाल हैं तो आज का वीडियो स्पेशली आपके लिए। आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन जो है वो तोड़ने वाला हूँ। कई लोगों को ऐसा लगता है कि एक्टर का मतलब जो होता है उसको डांस भी आना चाहिए, मार्शल आर्ट्स भी आना चाहिए, स्विमिंग भी आना चाहिए और साथ साथ एक्टिंग भी आनी चाहिए, और उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्हें ये सब चीज़ें नहीं आएंगी तो उन्हें टीवी और फिल्मों में काम नहीं मिलेगा। आज मैं ये मिसकंसेप्शन तोड़ने वाला हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको डांस, मार्शल आर्ट्स और ये स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं तो ही आपको काम मिलेगा। इसका एक्टिंग से लेना देना कुछ भी नहीं है। आप मेरी इस बात का यकीन मानिए, कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्हें ना डांस आता है, ना हॉर्स राइडिंग आती है, ना मार्शल आर्ट्स आता है, लेकिन फिर भी आज वो लीडिंग एक्टर्स हैं और बहुत सारे अच्छे अच्छे फिल्मों में, अच्छे अच्छे टीवी सीरियल्स में, वेब सीरीज में, एड्स में काम करते हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं, नाम कमा रहे हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको मार्शल आर्ट्स आता है या नहीं, आपको स्विमिंग आती है या नहीं, आपको हॉर्स राइडिंग आती है या नहीं। हाँ, ये और अलग बात है कि ये सारी चीज़ें आपके एडऑन्स होते हैं। मतलब एक एक्टर अगर डांस जानता है, मार्शल आर्ट जानता है तो ये अच्छी बात है, ये उसके लिए प्लस पॉइंट्स है। कल को अगर उसे कोई ऐसा किरदार मिला जहाँ पे उसको स्विमिंग करना पड़ रहा है, जहाँ पे उसे मार्शल आर्ट्स की ज़रूरत है, कुछ एक्शन सीक्वेंसेस है जहाँ पे उसे एक्शन करना है, तो ऑफकोर्स ये सारे चीज़ें उसके लिए एडऑन्स होती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती तो आपको ये सपना ही देखना नहीं है कि आप एक्टर नहीं बन पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सपना देख सकते हैं, आप मेहनत कर सकते हैं और सिर्फ एक्टिंग के बलबूते आप इंडस्ट्री में उतर सकते हैं, वहाँ जाके काम कर सकते हैं। और एक ग्रेजुअली एक बार जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं उसके बाद जिस तरह का आपका कैरेक्टर है उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई सारे में, जैसे अंधाधुन मूवी आई थी तो वहाँ पे आयुष्मान खुराना जो है उनको पियानो बजाना था, वो भी बिना देखे हुए। तो ऐसा तो है नहीं कि उनको पियानो पहले से आता था, उन्होंने 6 महीने की ट्रेनिंग की, 6 मंथ्स की उन्होंने ट्रेनिंग की है, प्रॉपर ट्रेनिंग, जहाँ पे वो बिना देखे पियानो बजा रहे थे। तो इट डिपेंड्स, कई सारे ऐसे एक्टर्स जिनको मार्शल आर्ट्स नहीं आता था लेकिन जब उनको कोई प्रोजेक्ट मिला, उनको कोई मूवी मिली, उसके बाद उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, तो वहाँ पे उन्होंने वक्त लगाया 6 महीना साल भर और उन्होंने उस पर्टिकुलर चीज़ में महारत हासिल की, उस पर्टिकुलर स्किल में उन्होंने ट्रेनिंग ली। लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो ये आपके लिए एडऑन्स है। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि अगर आप सडनली, लेट सपोज अगर आप 21, 22 या 25 साल के एज ग्रुप में हैं और आपको इंडस्ट्री में आके काम करना है और सडनली आप बोलते हैं कि नहीं, अभी मुझे ये सारी चीज़ें सीखनी है और टाइम पीरियड आपके पास है नहीं, ज़्यादा पैसे आपके पास है नहीं, मतलब एक लिमिटेड टाइम है, मान लीजिए 3 या 4 या 5 महीने का वक्त है आपके पास और आपके पास उतने ज़्यादा पैसे भी नहीं है और आपको उसी टाइम में, उसी लिमिटेड पैसे में आपको ये सब कुछ सीखना है, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? आप देखिए बाहर निकल के कि इंडस्ट्री में किस किस तरह के चार्जेस होते हैं एक्टिंग क्लासेस के, जो एक्शन सिखाते हैं आपको वहाँ के अलग खर्चे, डांस के अलग खर्चे, मार्शल आर्ट्स के अलग खर्चे, स्विमिंग सीखना है उसके अलग खर्चे, और हर स्किल को सीखने के लिए कम से कम आपको 4, 5, 6 महीने तो चाहिए ही चाहिए। आप अगर सोचिए, अगर आपको एक्शन सीखना है, मार्शल आर्ट सीखना है, तो मार्शल आर्ट सीखने के लिए आपको कम से कम 6 से 8 महीने का वक्त तो देना ही पड़ेगा, तो उससे पहले आप कैसे सीख पाएंगे? वो एक प्रॉपर, एक अलग सेगमेंट है, एक अलग फील्ड है। और उसी तरीके से आप डांस सीखेंगे तो वो एक अलग फील्ड है, एक अलग जोन है। तो आप आपके पास ना ज़्यादा टाइम है, ना ज़्यादा पैसे हैं, उसी लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड पैसे में आपको अपना करियर भी स्टार्ट करना है और कुछ ऐसा करना है जिससे आप इंडस्ट्री में आए और आपको तुरंत काम मिलना चालू हो जाए। एक बार आपको काम मिलना चालू हो जाए, आप छोटे छोटे कैरेक्टर्स करने चालू करिए, क्या पता
लकीली अगर आपके अंदर टैलेंट है और आपका लुक भी फिट कर रहा है किसी एक पर्टिकुलर रोल के लिए, तो हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा किरदार भी मिल जाए सीरियल में या फिल्म में। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से कि अपना दिमाग थोड़ा शांत रखिए और कोई हड़बड़ी मत रखिए कि नहीं नहीं मैं अभी उतरूंगा तो सारी चीज़ें सीख के उतरूंगा, उसके लिए चाहे 10 लाख रुपए खर्च हो जाए, चाहे मुझे 5 साल का इंतज़ार करना पड़े, मैं सारी चीज़ें सीख के फिर उतरूंगा। अगर आपके पास 5 साल का वक्त है और 10 लाख रुपए हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि लॉजिकली सभी के पास इतना ज़्यादा वक्त होगा और इतना ज़्यादा पैसे होंगे, बहुत ही लिमिटेड पैसे होते हैं। तो ज़रूरी यह है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बीइंग एन एक्टर, वो है एक्टिंग। तो आप लोग अपनी एक्टिंग पे समय और पैसा लगाएं, ना कि इन सारे चीज़ों के ऊपर फिलहाल के लिए। एक बार जब आप मुंबई आ जाएं, आप ऑडिशंस दे दें, अपना काम स्टार्ट कर लें और आपको लगे कि अब आपको अच्छा खासा काम मिल रहा है और आपके चांसेस बहुत ज़्यादा है आगे बढ़ने के और आप वो सब कुछ कर पा रहे हैं जो आपने प्लान किया था और वहाँ से आप थोड़ा सा इनकम भी कमा रहे हैं, उसके बाद आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को अलग अलग कोर्सेज में इन्वॉल्व करिए। जैसे आपने काम करना स्टार्ट कर दिया मुंबई में, उसके बाद आप कोई मार्शल आर्ट्स का कोर्स कर लीजिए, 6 महीना साल भर उसको पूरा करिए, उसके बाद फिर आप कोई कहीं से स्विमिंग सीख लीजिए, कहीं से हॉर्स राइडिंग सीख लीजिए। इट्स विल टेक टाइम, ये स्लोली और ग्रेजुअली एक प्रोसेस में आइए। ये नहीं कि सडनली आपने प्लान किया कि नहीं नहीं मुझे तो अभी सारी चीज़ें एक साथ सीखनी है, क्योंकि आप समझिए हर चीज़ के लिए आपको टाइम देना पड़ता है और इट टेक्स टाइम। कई लोग जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो ट्रेनिंग ग्रुप में जुड़े हैं, वो लोग इस बात को जानते हैं कि जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें हमें काफ़ी समय देना पड़ता है, वक्त लगता है। ये ऐसा नहीं कि आप बस आपने आज प्लान कर लिया, चलो मैं हॉर्स राइडिंग भी सीख लूँगा, साथ में मार्शल आर्ट भी सीख लूँगा, साथ में एक्टिंग भी सीख लूँगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप एक एक चीज़ को पकड़िए, उसको पूरा करिए और स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़िए। देखिए, मेरा मकसद यही है कि मैं आप लोगों को सही रास्ता बताऊं, सही तरीके से आपको गाइड करूं कि आपके लिए कौन सा पाथ सबसे अच्छा है, कौन सा रास्ता आपके लिए सबसे बेस्ट होगा, जहां से आप कम समय में इंडस्ट्री में आ सकते हैं। तो आज का जो मेरा मोटिव था आपको समझाने का, वो यही कि स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने आप को चीज़ों में इन्वॉल्व करिए। सबसे पहले एक्टिंग के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करिए, एक्टिंग सीखिए, आप उसमें इंटरेस्ट लीजिए, वक्त दीजिए। इट विल टेक सम टाइम। पहले जब आप एक बार आपको यकीन हो जाए कि हाँ अब आपने एक्टिंग सीख ली है, ऑलमोस्ट आप उस प्रोसेस में आ गए हैं, ये एक लाइफ टाइम जर्नी है एक्टिंग की, लेकिन फिर भी आपको एक वक्त तक ऐसा लगे कि हाँ अब मैं ऑडिशंस फेस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और मैं ऑडिशन फेस करके अपने लिए काम ढूंढ सकती हूँ या ढूंढ सकता हूँ, जब आपको इस बात का यकीन हो जाए, जब आपको प्रैक्टिकली काम मिलना चालू हो जाए, लोग आपको बुलाने लग जाएं शूटिंग्स के लिए, उसके बाद फिर आप अपने आप को किसी और चीज़ में इन्वॉल्व करिए। रादर कि आप शुरू में एकदम जोश में आ जाएं और चार जगह अपने आप को इन्वॉल्व कर लें, उससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क होगा। सिर्फ एक्टिंग सीखने के लिए आप कम से कम 5 से 6 महीना पहले इनिशियली प्लान करिए। एक बार जब आप 5-6 महीना एक्टिंग सीख लें, जब बेसिक्स आपको समझ में आ जाए, एक्टिंग क्या है, एक्टिंग के फंडामेंटल्स आपको समझ में आ जाए, उसके बाद ही आप अपने आप को किसी और कोर्स में इन्वॉल्व करिए। उससे पहले हड़बड़ी बिल्कुल मत करिए। मैंने ये भी देखा है कि कई सारे इंस्टीट्यूट्स आजकल उन्होंने लोगों को बहलाना और फुसलाना चालू कर दिया है। वो ये भी कहते हैं कि आप आइए, हम आपको डांस भी सिखा रहे हैं, मार्शल आर्ट्स भी सिखा रहे हैं, एक्टिंग भी सिखा रहे हैं, वो सारी चीज़ हम करवा रहे हैं, जहाँ पे आपकी क्लासेस होंगी डेली की 2 से 3 घंटा और माय हफ्ते में होंगी 4-5 क्लासेस। आप सोचिए 3 घंटे की क्लासेस होंगी और हफ्ते में 4 दिन, उसमें आप कैसे ये सारी चीज़ें सीख लोगे। हर पर्टिकुलर चीज़ को सीखने के लिए आपको 5 से 6 महीने का वक्त लगता है और वो 3 महीने में या 4 महीने में आपको डांस भी सिखा देंगे, मार्शल आर्ट भी सिखा देंगे, एक्टिंग भी सिखा देंगे। ये सारी चीज़ें क्या पॉसिबल है, फिजिबल है? तो आप लोग भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। अगर कोई भी इंसान या कोई भी इंस्टीट्यूट आपसे ये वादा करता है कि 3-4 महीने में वो आपको डांस, मार्शल आर्ट्स, एंकरिंग, सिंगिंग और हॉर्स राइडिंग, ये सारे चीज़ें अगर आपको 3-4 महीने में सिखाने का वादा कर रहा है, तो वो आदमी तो सबसे बड़ा महाफ्रॉड है। उससे आप लोग दूर रहिए, उनके चक्करों में मत फंसिए। आप समझिए इस बात को कि 3-4 घंटे की क्लासेस और हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन आप सीख ही नहीं सकते प्रॉपर। आपको एक्टिंग सीखने के लिए 5 से 6 महीने का वक्त चाहिए, तो आप कैसे कर पाओगे ये सारी चीज़ें 3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए इन लोगों से बच के रहें, अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और जो आपके कीमती पैसे और जो वक्त है और जो आपके जो सपने हैं, वो इस तरीके से किसी के भी हाथ में मत दीजिए। वो लोग आपका मिसयूज़ करेंगे। एट द एंड होगा ये कि आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे
और आपको ऐसा लगेगा कि आपके अंदर टैलेंट ही नहीं और आप वापस लौट जाएंगे अपने शहर में। बस कड़बड़ यही होती है, टैलेंट सबके अंदर होता है, उसको नर्चर करने वाला, उसको रास्ता दिखाने वाला सही इंसान आपको अब तक नहीं मिला। अगर आपको सही गाइड मिल गया होता या आपको सही इंस्ट्रक्टर मिल गया होता जो आपको आपका मार्गदर्शन करे, सही रास्ता आपको दिखाए, तो आप भी बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते थे। बस यही एक प्रॉब्लम है जो आप और हमने ऐसे कई सारे लोग जो है उसको कंटिन्यूस बेसिस पे फेस करते आ रहे हैं कई कई सालों से। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ पर आप मुझे सुन रहे हैं और आप अपने घर में बैठे बैठे ये सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो मैं एक बार दोबारा से समर्प कर देता हूँ कि मैंने अभी क्या क्या चीज़ें आपको समझाई। मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि अगर आपको एक्टिंग सीखना है तो सबसे पहले आप एक्टिंग पे फोकस करिए, कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त आप अपनी एक्टिंग पे दीजिए, उसके बाद मुंबई आइए, मुंबई आने के बाद यहाँ पे काम करना स्टार्ट करिए, ऑडिशंस देना स्टार्ट करिए। जब एक बार आपका काम स्टार्ट हो जाए, आपको लगे कि आपको अब काम मिलना चालू हो गया है, लोग आपको बुलाने लग गए हैं काम के लिए, उसके बाद आप धीरे धीरे करके अपने आप को डांस में, मार्शल आर्ट्स में, स्विमिंग में, हॉर्स राइडिंग में, ड्राइविंग में, इन सब चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व करिए स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये सारे एड ऑन्स हैं, इनका इतना ही मकसद है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो वेल एंड गुड, आपको काम मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन इसका कोई भी मतलब नहीं है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें नहीं आती तो आपको काम नहीं मिलेगा। आपको काम जो मिलेगा, इनिशियल जो आपकी स्क्रीनिंग होगी, वो सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग के बेसिस पे होगी। तो ये बात आप लोग दिमाग में रख लीजिए, अगर कोई भी आपको बहकाने की या फुसलाने की कोशिश कर रहा है और आपसे पैसे ठगने की कोशिश कर रहा है तो आप लोग किसी के भी झांसे में ना आए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप भी मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9971402080। या अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, जहां पर मुझे जब भी वक्त मिलेगा तो उसके आधार पर मैं आपके लिए वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा।